डे अस्सलाम वालेकुम इस सीरीज प्रिपरेशन में कंप्यूटर साइंस के टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट टू में हम आपको वेलकम करते हैं स्क्रीन पर दी हुई तमाम जॉब्स के टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है डे रेस्परेंट हम ऐसे सवाल को चुन चुन कर यहाँ दिखा रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस मुख्तल सबका इम्तहाना के पेपर्स और मुख्तफ़ मशहूर वेबसाइट से इकट्ठे किए गए हैं जो कि इम्तहानी नुक़ नज़र से बहुत ज़्यादा अहम हैं लिहाजा एक दफ़ा वीडियो पूरी वीडियो सुनने और देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो के मुतल एक क्वेश्चन पेपर भी बनाया है जो कि कमेंट्स बॉक्स में दिया गया है जिसको हल करके आप खुद की सेल्फ़ एवेल भी कर सकते हैं तो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके पार्ट नंबर टू की बात कर रहे हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर वन है इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंट इज़ गिवन Explicitly in the instructions. Option A hai, absolute mode, immediate mode, indirect mode, index mode. The correct answer is B, which is immediate mode. Question 2. The technique for sharing the time of a computer among several jobs, which switch job so rapidly such that each job appear to have computer to itself. Option A hai टाइम शेयरिंग बी है टाइम आउट सी है टाइम डोमेन और डी है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट द करेक्ट आंसर इज ए टाइम शेयरिंग विच इज क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है टाइम शेयरिंग क्वेश्चन नंबर थ्री कैपेसिटी प्लानिंग क्या चीज़ होती है रिक्वायर डिटेल सिस्टम परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बी

या बी ऑप्शन में आया कि हाई इनपुट और आउटपुट रेट हो सी है कि हाई पैकिंग रेट हो डी है कि एनी ऑफ अबाब इनके ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन में से कोई एक तो करेक्ट आंसर जो है वो डी है कि तीनों में से भी जब भी रिस्पांस टाइम पोअर होगा तो हो सकता है उसमें प्रोसेसर बिजी हो या हाई इनपुट और आउटपुट रेट हो या हाई पैकिंग रेट हो तो तीनों चीज़ें हों तीनों में से कोई एक भी हो तो इस वजह से पोअ रिस्पॉन्स टाइम अक्कर हो सकता है क्वेश्चन फाइव है लिंक इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है इज़ मोर सिक्योर देन एंड टू एंड इंस्क्रप्शन और बी ऑप्शन है इज़ लेस सिक्योर देन एंड टू एंड एंड्रप्शन सी है कैन नॉट बी यूज इन पब्लिक नेटवर्क डी है इज़ यूज ओनली डिबग तो करेक्ट आंसर इज़ ये है कि लिंक इंसक्रप्शन जो है वो लेस केयर होती है देन एंड टू एंड इंस्क्रप्शन के लिहाज से मतलब ये हुआ कि एंड टू एंड जो इंस्क्रिप्शन है वो स्क्योर होती है और लिंक इंस्क्रिप्शन जो है वो इतनी स्क्योर नहीं होती है एज कंपेयर टू एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स है इन एनालाइजिंग द कंप्लीशन ऑफ पी एल आई प्रोग्राम द टर्म मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए है रिक्गनाइजेशन ऑफ द बेसिक सिंथेटिक कंस्ट्रक्ट थ्रू द रिडक्शन है रिकनाइजेशन ऑफ द बेसिक एलिमेंट एंड क्रिएशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिंबल्स सी है क्रिएशन ऑफ मोर ऑप्टीमल ऑप्शनल मैट्रिक्स डी है यूज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर टू प्रोड्यूस मोर ऑप्टीमल असम्बली कोड तो करेक्ट आंसर सी है केफ मोर ऑप्शनल मैट्रिक्स क्वेश्चन सेवन इन एन इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैट इज रिप्लेस्ड बाय सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रियर टू दसेंबली आर कंपाइलिंग इज नाउन एज प्रोसीजर नेम बी माइक्रो सी लेबल और डी लिटर द करेक्ट आंसर इज बी विच इज माइक्रो क्वेश्चन एट अ प्रोग्राम ऑप्शन ए इसमें बताया गया है कि ए डिवाइस डेट परफॉर्म सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाई इंस्ट्रक्शन इन मेमरी बी है इज़ द डिवाइस वेयर इन्फॉर्मेशन इज़ स्टोर सी ऑप्शन में बता रहा है कि इज ऐ सिकवेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और डी है इज़ टिपिकली करेक्टरसाइज बाई इंटरएक्टिव प्रोसेसर एंड टाइम ऑफ द सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू अलाउ द क्विक रिस्पॉन्स टू ईच यूज़र तो करेक्ट आंसर इसका सी है कि प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है प्रोग्राम को अगर हम डिफाइन करें The program is a set of instructions that tell the computer what to do. do. Question nine: A self-relocating program is one which cannot be made execute in any area of storage other than the one designated for it at the time of its coding or translation. B option hai jiska. कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर इट री एलोकेशन सी ऑप्शन है कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रि एलोकेशन ऑफ इट्स पोर्शन आलफ अब तो करेक्ट आंसर इसका यह है सी कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रि एलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेसट पोर्शन जो होता है बैंकलिज्म जो है फॉर रिसोर्स एलोकेशन डील विद किसके साथ करता है डेड लाक प्रिवेंशन के साथ करता है डेड लाग अवॉइडेंस के साथ करता है डेड लाक रिकवरी के साथ करता है या म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ करता है तो करेक्ट आंसर इसका है बी कि बैंकर अलगोरिदम जो है वो डेड लाक अवॉइडेंस के साथ डील कर रहा होता है क्वेश्चन इलेवन आज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट इज नाउन एज डिसीजन टेबल प्रोग्राम ऑफ अब करेक्ट आंसर इज सी प्रोग्राम क्वेशन ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द टेस्टिंग एंड डिबगिंग अभी ये ऑप्शन दिए गए कि इसमें से बताएं कि टेस्टिंग और डिबगिंग के हवाले से कौन सी बात दुरुस्त है टेस्टिंग चेक फॉर लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम वाइल डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ द कुरेक्टिंग दोज एरर इन द प्रोग्राम बी ऑप्शन में टेस्टिंग डिटेक्ट दरर इन द प्रोग्राम वाइल्ड डिबगिंग कुरेक्ट द दोज एरर्स इन द प्रोग्राम सी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि टेस्टिंग एंड डिबगिंग इंडिकेट द सेम थिंग और डी में बता रहे हैं कि जितने भी ए बी सी में दिए हुए हैं वो तमाम हो सकते हैं तो करेक्ट आंसर है ए के टेस्टिंग और डिबगिंग क्या करता है लॉजिकल एरर को चेक करता है टेस्टिंग क्या करता है लॉजिकल एरर को चेक करता है प्रोग्राम में जबकि डिबग जो होता है वो क्या करता है करेक्ट करता है जो एरर जो है प्रोग्राम में आए होते हैं बग का मतलब क्या होता है कि एरर और डिबग का मतलब होता है कि उन एरर को रिमूव कर देना क्वेश्चन थर्टीन इंफॉर्मेशन इन ए मेमरी डेट इज़ नो लॉन्गर वैलिड आर वांटेड इज नाउन एज ए नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल सरप्लस गारबेज तो करेक्ट आंसर क्या होता है गारबेज कि ऐसी मेमरी जो ज़्यादा टाइम के लिए वैलिड नहीं होती उसको तो गार्बेज बोलते हैं क्वेश्चन फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन सजेस्ट सैट द फाइल इज ए बैकअप कॉपी ऑफ द एंड अदर फाइल ऑप्शन ए टेक्स्ट बी कॉम सी बेस और डी बैक द करेक्ट आंसर इज डी री एलोकेशन बी टू यूज फॉर द रीलोटिंग रीलोकेटिंग लोडर एज स्पेसिफाइड बाई द अब ऑप्शन ये रे, आ रे, रहा है री रे लोकोटिंग लोटरफायर इट्सल्फ लिंकर असम्बलर आर ट्रांसलेटर या मैक्रो करेक्ट आंसर इज़ बी विच इज़ लिंकर री रीलोकेशन के लिए जो है वो लिंकर को यूज़ किया जाता है क्वेश्चन सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स नीचे दी गई जो बयान हैं उसमें से कौन सी बात गलत है ए सी पी यू इज ए परमिटिव इफ द सी पी यू कैन फोर्स

कि रियल टाइम सिस्टम जनरली नॉन परमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग को यूज नहीं करते क्वेश्चन सेवनटीन नॉन मोडिफाइलेबल प्रोसीजर आर कॉल्ड क्या है? कहलाते हैं यूज़ेबल प्रोसीजर कहलाते हैं कंकरेंट प्रोसीजर कहलाते हैं रेडेंट प्रोसीजर कराते हैं या टॉप डाउन प्रोसीजर कहलाते हैं तो करेक्ट आंसर जो है रीन प्रोसीजर कहलाता है क्वेश्चन एटीन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या चीज़ होती है क्या फंक्शन होता है इसका ऑप्शन ए में बताया जा रहा है कि इज़ अ हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस विच डू ना डोनेट द लोकेशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बी में बता रहा है कि इज ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी कि हार्डवेयर डेट परफॉर्म इंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फैच फ्राम मेमरी इनकी जो मेमरी से ली जाती है इंस्ट्रक्शन उनको क्या कर रहा होता है ये सर्कुलेट कर रहा होता है या परफॉर्म कर रहा होता है इसके ऊपर सी ऑप्शन बता रहा है कि कंटेन एड्रेस ऑफ द मेमरी लोकेशन डैट इज़ टू बी रीड फ्राम फ्राम एंड स्टोर इन टू डी में बता रहा है कि कंटेंट ए कापी ऑफ डेजिग्नेटेड मेमरी लोकेशन स्पेसिफाइड द एम ए आर आफ्टर रीड एंड द न्यू कंटेंट ऑफ द मेमरी पेरियर टू दाइट द करेक्ट आंसर इज बी रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल ग्रुप सर्किट का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन को कहाँ से मेमोरी से लेके क्वेश्चन नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑब्जेक्ट शुड बी अप्लाइड टू द फॉलोइंग द सिस्टम शुड एडमिट जॉब्स टू क्रिएट ए मिक्स डेट विल कीप मोर डिज बिजी इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि टू बी फेयर बी है कि टू बैलेंस रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सी है टू ओबे प्रायोरिटीज, डी है टू बी प्रिडिक्टेबल करेक्ट आंसर बी है जिसका मतलब ये आ रहा है कि टू बैलेंस द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनके जो रिसोर्स आ रहे हैं उनमें मत तोन कायम रखना अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या चीज़ है आर ईजियर टू डिवेल्प दैन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम एग्जीक्यूट ईज फास्टर ये भी इसकी करैक्टिस हैं कि नहीं है एग्जीक्यूट मोर जाब इन द सेम टाइम पीरियड डी है कि आर यूज ओनली ऑन लार्ज फ्रेम कंप्यूटर करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है मल्टी यानी कि मोर देन वन तो एग्जीक्यूट मोर जाब इन द सेम पीरियड मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो जॉब्स होती हैं वो सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाती हैं क्वेश्चन ट्वेंटी वन है कि बैकअप शुड बी डन डेली फॉर मोस्ट इंस्टॉलेशन बी ऑप्शन है वीकली फॉर मोस्ट इंस्टॉलेशन सी है एज सर्वर इमेज कॉपीज़ फॉलोड बाय एन इंक्रीमेंटल डी है एज सर्वर इंक्रीमेंटल फॉलोड बाय एन इमेज कॉपी तो करेक्ट आंसर जो है वो बैकअप शुड भी क्या होना चाहिए एज सर्वर इंक्रीमेंटल फॉलोड बाय द इमेज कॉपी तो डी ऑप्शन जो इसका है इसका करेक्ट है क्वेश्चन ट्वेंटी टू इन एन एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम विच लोडर फंक्शन इज अकम्पलिश बाई दी एलोकेशन एलोकेशन लिंकिंग लोडिंग तो करेक्ट आंसर जो है वो री एलोकेशन है ए क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द काम कमांड इंटरप्रेटर इज यूजली प्राइमरी यूजर इंटरफेस होता है बी बता रहा है कि रिक्वायर फिक्स फॉर्मेट कमांड होता है सी बता रहा है कि मेन्यू ड्राइव है डी में ऑप्शन में है कि इज़ ए क्वाइट डिफरेंट फ्राम एस सी एल इंटरप्रेटर तो करेक्ट आंसर जो है वो ए है कि कमांड इंटरप्रेटर जो है वो प्राइमरी यूजर इंटरफेस होता है क्वेश्चन ट्वेंटी फोर ए टास्क इन ए ब्लॉक स्टेट में जो है एग्जीक्यूटेबल होती है बी है इज रनिंग है सी है कि मस्ट स्टिल बी प्लेस्ड इन द रन की डी है कि इज वेटिंग फॉर सेम टेम्परेली अनबल सोर्स सॉरी तो करेक्ट आंसर है डी कि इज वेटिंग ये टास्क जो होता है ब्लॉक स्टेट में क्या होता है कि वेट कर रहा होता है सेम टम्प्रेरी अन अवेबल रिसोर्सिस के हिसाब से क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव में है कि सिस्टम मेंटेनेंस क्या चीज होती है इज यूजली नॉट नेसेसरी बी में आ रहा है इज नेरी ऑन ऑल सिस्टम रिगार्ड लेस हाउ ऑफ हाउ गुड सी होता है इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ द सिस्टम इज़ वेल रिटर्न डी होता है कि ऑलवेज रिक्वायर्ड सर्वर प्रोग्राम तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी है कि वो नेसेसरी होता है तमाम सिस्टम्स के लिए सवाए उसके के ये चीज़ देखने के रिकॉर्ड ऑफ हाउ गुड क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फोटॉन लैंग्वेज के नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी बात जो है फोटान की क्रैक्टिस के हवाले से ट्रू uh, नहीं है फोटान इज ए हाई लेवल लैंग्वेज अप्रो फोटन प्रोग्राम रिटर्न फॉर द आई बी एम पी सी इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम फोटान प्रोग्राम रिटर्न फॉर एग्जीक्यूशन ऑन दिस एन मशीन सी में बता रहा है कि फोटान इज एक्सटेंटिवली एक्सटेंसटिवली यूज टू राइट प्रोग्राम फॉर परफॉर्म इन साइंटिफिक कम्पटिशन डी या आला फवाब तो करेक्ट आंसर इसका ये है कि बी वाली जो बात है ये ठीक नहीं है फोटॉन लैंग्वेज के हवाले से कि फोटॉन प्रोग्राम जो है वो अगर लिखा जाए आई बी एम पी सी में तो वो टोटली totally डिफरेंट नहीं होता जो एग्जीक्यूशन हम सन मशीन के हिसाब से कर रहे होते हैं बी ऑप्शन ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन के आ लिंकर क्रिएट ए लोड मड्यूल बी ऑप्शन में इज़ नॉट नेसेसरी विद वेरिएबल पार्टीशन सी मस्ट बी रन आफ्टर द लोडर डी इज़ नॉट नीडेड विद गुड कंपाइलर तो करेक्ट आंसर ये है कि लिंकर का फंक्शन ये होता है कि वो क्रिएट करता है लोड मड को क्वेश्चन ट्वेंटी एट है यूनिफॉर्म सिम्बल टेबल जो होता है वो किस लिए यूज़ होते हैं इसकी क्या करैक्टिस होती हैं कंटेन आल कॉन्स्टेंट इन द प्रोग्राम बी ऑप्शन में है कि एक परमानेंट टेबल ऑफ डिसीजन रूल्स इन फॉर्म ऑफ द पैटर्न फॉर मशीन मैचिंग विद द यूनिफॉर्म सिंबल टेबल टू डिस्कवर सेंथेटिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सी है कंसिस्ट ऑफ आल फुल या पार्शल लिस्ट ऑफ़ द टोकन एज दे अयर इन द प्रोग्राम क्रिएटेड बाई लेकल एनालाइज यूज फॉर दिन एंड एंडेश इंटर डी है परमानेंट टेबल विच लिस्ट आल की वर्ड्स एंड स्पेशल सिंबल ऑफ द लैंग्वेज इन दिसक फॉर्म करेक्ट आंसर इज सी यूनिफॉर्म सिंबल टेबल जो है वो कंसिस्ट ऑफ फुल आर या पार्शल लिस्ट ऑफ टोकन एज दे अपेयर इन प्रोग्राम और उनका फंक्शन क्या होता है क्रिएटेड बाय किस कौन इसको क्रिएट करता है लेग्जिकल एनालाइजिज़ करता है और यूज़ किस लिए होते हैं सन्टेक्सट एनालाइज और इंटरप्रिटेशन के लिए वो यूज़ होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन विच ऑफ़ द स्टोरेज प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी अ प्रोग्राम इज प्लेस्ड इन दुमलेस्ट अवेलेबल होल इन द मेन मेमरी अब इसमें बताएँ कि बेस्ट फिट होता है फर्स्ट फिट होता है वर्स्ट फिट होता है या बडी तो करेक्ट आंसर इज इसका क्या है ए है बेस्ट फिट क्वेश्चन थर्टी इन विच एड्रेसिंग मोड द अफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंट इज जनरेटेड बाय एडिंग ऑप्शन है इमीडिएटेड मोड डी है इसमें इंडेक्स मोड द करेक्ट आंसर जो है इसका वो डी है थर्टी वन द हायर वर्जन ऑफ देश सिस्टम आर सो रिटर्न डेट प्रोग्राम डिजाइन फॉर अर्लियर वर्जन कैन स्टिल भी बी रन वट इज़ कॉल्ड अपग्रेडबिलिटी बोलते हैं अपग्रेड मोबिलिटी बोलते हैं और यूनिवर्सिबिलिटी बोलते हैं और यूनिक वर्सिबिलिटी बोलते हैं या अपवर्ड कंपेबिलिटी बोलते हैं तो करेक्ट आंसर जो है इसका डी है कि हायर वर्जन ऑफ द अपरेटिंग सिस्टम जो है जो रिटर्न प्रोग्राम डिज़ाइन होता है अर्लीअर वर्जन के लिए और आजकल भी इसको यूज़ कर रहे हैं अपवर्ड कंपेबिलिटी कंपेटेबिलिटी बोलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है पेरेंट के इफ स्पेशल फॉर्म आर नीडेड फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट द प्रोग्रामर स्पेसीफाई दीज फार्मू जे सी एल के जरिए होगा जे पी एल के जरिए यूटिलिटी प्रोग्राम या लोड मॉड्यूल के हिसाब से तो ये प्रिंटर का जो काम होता है वो जे सी एल के थ्रू तो ही परफॉर्म किया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पॉलिसी प्लेस्ड रिप्लेस आ पेज इफ नाट इन दब सबसेट ऑफ द प्रोसेसर पेज तो कौन सी पॉलिसी हम लगाएंगे फीफो लगाएंगे आर एल यू एल आर यू लगाएंगे एल एफ यू लगाएंगे या वर्किंग सेट तो इसका करेक्ट आंसर है कि हम अगर पेज जो है वो नाट फॉरवर्ड सबसेट में ना हो तो प्रोसेस पेज में क्या करते हैं वर्किंग सेट लगाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेस बाय ट्रांसफर वेक्टर अप्रोच ऑफ द लिंकिंग एक्सटर्नल डाटा सेगमेंट है एक्सटर्नल डाटा सब रूटीन्स है डाटा लोकेशन इन अदर प्रोसीजर है या आल ऑफ अब तो करेक्ट आंसर है कि हम इसके लिए बी ऑप्शन है कि एक्सटर्नल सब रूटीन का अप्रोच uh, हम लिंकिंग के लिए लगाएंगे इसके लिए क्वेश्चन थर्टी फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू दी डिग्री टू विच डाटा इन डेटा बेस सिस्टम आर एक्ट एंड क्रैक्ट डाटा सिक्योरिटी डाटा वेडलिटी और डेटा इंडिपेंडेंस डाटा इंटीग्रिटी क्वेश्चन क्रेक्ट आंसर जो है इसका थर्टी फाइव का वो डी है डाटा इंटीग्रिटी क्वेश्चन थर्टी सिक्स इन एनाल कंपाइलेशन ऑफ पी एल आई प्रोग्राम द टर्म एनालाइज इज एसोसिएटेड विद रिकनाइजेशन ऑफ बेसिक सेंटेक्स कंट्रैक्ट कंस्ट्रेक्ट थ्रो द डिडक्शन बी ऑप्शन में है रिकगनाइज द बेसिक एलिमेंट एंड क्रिएशन ए यूनिफॉर्म सिम्बल क्रिएशन ऑफ मोर ऑप्टिकल ऑप्शनल मेट्रिक यूज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर टू प्रोड्यूस मोर ऑप्शनल असम्बली कोड करेक्ट आंसर इज ए के सेंटेक्स एनाल के साथ जो एसोसिएट होता है उसका फंक्शन ये होता है कि रिकगनाइजेशन ऑफ बेसिक सेंटेटिक कंस्ट्रक्शन थ्रो रिडक्शन क्वेश्चन थर्टी सेवन आ हार्डवेयर डिवाइस डेट इज़ कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन इज नाउन एज सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ए एल यू रैथमेटिकोलॉजिक यूनिट सी यू आर प्रोसेसर डी ऑप्शन है इसका कुरेक्ट कि प्रोसेसर जो होता है वो कैपेबल होता है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस मिल रही होती है उनको एग्जीक्यूट uh, के हवाले से क्वेश्चन थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ दी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जिसमें द प्रोग्राम इज मच ईजियर टू चेंज इसको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं बी ऑप्शन बता रहा है कि मॉड्यूल कैन बी री यूज इन अदर प्रोग्राम मॉड्यूल को हम दूसरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और इसके डिबिंग हम इसका जो एरर होता है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ईजी टू कंपाइल तो करेक्ट आंसर जो है वो ए है के मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का जो एडवांटेज है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रोग्राम को हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं बी सी और डी वो इसके मॉडुलर प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस नहीं हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है कि द फंक्शन परफॉर्म बाय द पेजिंग सॉफ्टवेयर आर क्या कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस इन्वामेंट फॉर आल प्रोग्राम इन सिस्टम बी है कि मैनेजमेंट ऑफ द फिज़िकल एड्रेस स्पेस सी है शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन और डी है आल अफवाब तो जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं पेजिंग सॉफ्टवेयर से वो इम्प्लीमेंटेशन भी होती है इन्वामेंट के हिसाब से तमाम प्रोग्राम में सिस्टम के हिसाब से और मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं फिज़िकल स्पेस के हिसाब से और शेयरिंग भी हो रही होती है और प्रोटेक्शन भी हो रही होती है तो इस लिहाज से ए बी और सी तीनों ऑप्शन इसके ठीक हैं तो लिहाजा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन फोर्टी आ कंपाइलर फॉर हायर लैंग्वेज डेट रन ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूस कोड फॉर डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर कहलाता है कि ऐसा कंपाइलर जो हाई लैंग्वेज के ऊपर एक मशीन पर रन करे और प्रोड्यूस कर दे डिफरेंट मशीन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर कहते हैं वन पास कंपाइलर कहलाते हैं क्रॉस कंपाइलर होता है या मल्टी पास कंपाइलर होता है या नन ऑफ देम और इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है कि उसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर बोलते हैं क्वेश्चन फोर्टी वन ए क्रिटिकल रीजन इज क्या क्या होता है क्रिटिकल रीजन अ प्रोग्राम सेगमेंट डेट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड बग फ्री बी बता रहा है प्रोग्राम सेगमेंट डेट आफ्टर काज दिस अनएक्सपेक्टेड सिस्टम क्रैश सी में है कि अ प्रोग्राम सेगमेंट वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड डी है वन विच इज इनक्लोज बाय पेयर ऑफ पी एंड वी ऑपरेशन ऑन ए सेमाफोर तो डी ऑप्शन जो है वो क्रिटिकल रीजन में क्या होता है कि वन विच इज़ इनक्लोज बाय पेयर ऑफ पी एंड वी ऑपरेशन ऑन सेमाफोर तो क्रिटिकल रीजन की ये ऑप्शन डेफिनेशन है ये प्रॉपर्टीज़ है तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन फोर्टी टू असम्बलर लैंग्वेज जो होती है इज यूजली द प्राइमरी यूजर इंटरफेस रिक्वायर फिक्स फॉर्मेट कमांड इज़ ए नुमेरिक फॉर्म ऑफ द मशीन लैंग्वेज डी है कि इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द एस सी एल इंटरप्रेटर तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है कि असम्बलर जो है वो नुमेरिक फॉर्म होती है मशीन लैंग्वेज की क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जॉब है वो क्या है कमांड रिसोर्स है मैनेजर रिसोर्स है प्रोवाइड यूटी है यूटिलिटीज़ है या बी यूज़र फ्रेंडली है तो करेक्ट आंसर ये है कि जो रिसोर्स आ रहे होते हैं उनको मैनेज करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है प्राइमरी जॉब होती हैं वो अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मयर टू टेस्ट हाउ गुड आर पैड मॉडुलर डिज़ाइन हम कैसे मैयर कर लेते हैं कि ये डिज़ाइन जो है गुड है या बैड है तो हम क्या करते हैं मॉडुलर स्ट्रेटेज स्ट्रेटी लगाते हैं मॉडुलर कपलिंग करते हैं स्टेटिक एनालिज करते हैं या इन ए बी सी तमाम है तो करेक्ट आंसर ये है कि हम उसमें मॉडुलर मॉड्यूल की स्ट्रेंथ के हिसाब से हम उसको देखते हैं कि मॉड्यूल की जो स्ट्रेंथ वो कितनी गुड है या बैड है उसके हिसाब से हम उसको मैयर कर लेते हैं क्वेश्चन फोर्टीफाइए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज क्या करता है मेमोरी को मैनेज करता है प्रोसेसर को करता है डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये करता है कि जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताया था फोटी थ्री में कि प्राइमरी जॉब क्या होती है इसकी कि मैनेज रिसोर्स को करता है तो यहाँ पे जो डिवाइसेस के हिसाब से वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज कर रहा होता है वो मेमोरी को भी कर रहा होता है साथ साथ जो है प्रोसेसर को भी कर रहा होता है और जो इनपुट और डिस्क जो हिसाब से आ रही होती है तमाम चीज़ों को तो मैनेज कर रहा होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन फोटी फाइव का डी है फोर्टी सिक्स क्वेश्चन में है कि द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू के मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज़ कीप सिस्टम प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयड मेक द मोस्ट एफिशेंट यूज़ ऑफ़ द हार्डवेयर अलाउ द पीपल टू यूज़ सी द कंप्यूटर तो इसका ईजी जो है ताकि डेड लॉक क्रिएट ना हो इस वजह से प्राइमरी पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो ईजियर बना सकें हम क्वेश्चन फोर्टी सेवन है विच ऑफ द फार्मिंग इज़ ट्रू अबाउट द सूडो कोड ये मशीन लैंग्वेज है असम्बली लैंग्वेज है हाई लैंग्वेज है या आल ऑफ अबव तो इसका आंसर जो है वो आपने प्लीज़ ढूंढ के और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सूडो कोड का मेन फंक्शन क्या होता है किस लिए इस्तेमाल होता है आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई थैंक यू क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फॉरविड द यूज़ ऑफ द अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में किस चीज़ की महानता है वाइल्ड की गो टू की इफ़ देन एल्स की या डू वाइल की तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में गो टू uh, जो है उसके इस्तेमाल की uh, मानता है मना है वो फॉरबिड बिटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है फोटी नाइन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम वर्ड प्रोसेसिंग कंपाइलिंग विचुअल मेमोरी मल्टीटास्किंग तो ये मल्टीटास्किंग जो है वो हम एक से ज़्यादा टाइम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि मल्टीपल जॉब्स होती हैं और सेम टाइम में वो क्या हो रही हैं एग्जीक्यूट हो रही होती हैं क्वेश्चन फोटी नाइन का डी ऑप्शन इज़ करेक्ट देयर एस्पैरेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या मेरी जो कोशिश मैंने की आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और उन दोस्तों को खूसा फॉरवर्ड करें जिनको इनकी ज़रूरत है डेरास्पेरेंट मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़